हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ स्टूडियो में है गॉर्जियस गरिमा वर्मा, जिनका आज हम फोटोशूट कर रहे थे और फोटोशूट के बीच में मैंने गरिमा को रोक लिया, पकड़ लिया आप लोगों के चक्कर में, ये जानने के लिए गरिमा के मिस इंडिया। अभी आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। गरिमा मिस शिमला ऑलरेडी विन कर चुकी है, मिस हिमाचल जीत चुकी है और इस टाइम 2019 में मिस इंडिया में फाइनलिस्ट में थी और मिस गुडनेस एम्बेसडर भी जीत गई है। मैडम, ये टाइटल मिला इनको इस साल, तो मैंने सोचा आप सब एस्पायरिंग मॉडल्स के लिए। गरिमा, बहुत सारी लड़कियां ना मैसेज करती हैं कि सर मुझे मिस इंडिया में ट्राई करना है, तो मिस इंडिया के लिए क्या करेगा, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए गरिमा से पूछना चाहिए कि पहले तो ये बताओ आपकी जर्नी कैसी रही एज दिस ईयर मिस इंडिया में जाके, कैसा रहा सब? मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। दो एक स्ट्रगल था जो मैंने फेस किया है पास्ट 5 years से, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी फ्रॉम अ स्टेट वेयर पर्सुइंग योर टैलेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, तो ऐसी फैमिली से आना जहाँ पे इतना प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। ये बात बहुत लोग पूछते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, सर मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ बट मेरे पेरेंट्स नहीं माने, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं यही कहूँगी कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, हाँ मैं मानती हूँ पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपकी डेडिकेशन और फोकस है तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। वो आपका ड्रीम हो या आपका कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों ना हो, जस्ट बी फोकस्ड, जस्ट बी डिटरमिन्ड इन व्हाटएवर फील्ड यू चूज, और कोशिश ज़रूर करें, मतलब गिव अप ना करें। आई थिंक ट्राई करना तो यू नो बाद में आप रिग्रेट करें कि यार चलो यार मैंने तो ट्राई नहीं किया, बट ट्राई करके फेल हो तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? और अगर आप मेहनत करते रहोगे तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स भी एक दिन आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी डिटर्मिनेशन आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क देख करके। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स का यही सपना होता है उनका बच्चा कुछ अच्छा करे, और अगर वो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता नथिंग लाइक इट, राइट, कुछ गर्व से ज़्यादा बड़ा कुछ भी मूवमेंट होगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो घर में पॉइंट नंबर 2 ये जानना चाहता हूँ, और बहुत लड़कियाँ ये जानना चाहती हैं कि अब मैं मिस इंडिया में ट्राई करना चाहती हूँ, उसके लिए क्या स्पेशल तैयारी की जाए, क्या टिप्स देना चाहोगे आप लड़कियों को? कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए पहले से ग्रूम हो जाओ, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई मॉडलिंग एजेंसी यूज कर लो या कोई ट्रेनिंग ले लो आप मॉडलिंग की, या फिर कोई भी पेजेंट ट्रेनिंग, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा ज़रूरी है। अगर आपका हार्डवर्क और आपको पता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में देखो उस चीज़ के लिए कैसे वर्क किया जाता है। तो मैंने अपने लिए कोई भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं ली थी, जो भी किया खुद से किया, देख करके किया, यूट्यूब यूज़ करा। आजकल तो हमारा गूगल इतना यूजफुल है, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे कट करूँगा, गूगल के साथ साथ सही और गलत भी हो रहा है। सही लोग भी गूगल पे दिखते हैं, फ्रॉड लोग भी गूगल पे दिखते हैं, जो यू नो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, स्पेशली फॉर ऑल यू गर्ल्स यू हैव टू बी केयरफुल कि चलो सब टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में है बट इसके प्लस और माइनस दोनों ही हैं। वो कहते हैं ना लड़कियों में एक सिक्स सेंस भी होता है, तो अप्लाई दैट, यूज दैट 100%, वो तो पक्की बात है। तो और वो पता चल जाता है कि कौन सा आदमी जेन्युइन है कि कौन सा नहीं है, एंड लाइक हमारे साथ ही बैठे हैं। थैंक यू, ये बोलने के लिए मैंने पैसे नहीं दिए बिल्कुल भी किसी चीज के लिए नहीं दिए, बट आई नो दे वर सो ग्लैड, सो स्वीट, बट आई नो शी इतना ज्यादा शी अप्रिशिएट्स मी, शी टेलिंग मी कि मेरे वीडियोस भी रेगुलर देख रही है, या जो हम कर रहे हैं आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी, यू नो फॉर ऑल एस्पायरिंग मॉडल्स एंड एक्टर्स। तैयारी के लिए इनको कुछ खाने पीने के लिए ध्यान देना चाहिए लड़कियों को? तैयारी के लिए यही बोलूँगी अपनी डाइट पे प्रॉपर फोकस रखो, बिकॉज इफ़ यू आर गुड एट योर हेल्थ इन योर हेल्थ तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, और अपने आप को अच्छे से ग्रूम करो, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, भी हिंदी और इंग्लिश, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर लैंग्वेज यू चूज, एंड जस्ट नो वट इज़ गोइंग अराउंड यू, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ आजकल कैसे कैसे करंट इश्यूज है जो आप लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है, तो उन पर भी वर्क करो। राइट, जैसे आप कह रहे हो हिंदी और इंग्लिश की जो बात है, अगेन ये अच्छा आपने बात उठाई, बहुत सारे लोग व्यूअर्स में से लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, वो ये पूछते हैं कि सर अगर इंग्लिश नहीं होगी तो हाँ क्या हम मॉडल नहीं बन सकते? ये लगता है आपको कैसे, इंग्लिश कॉन्टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट था मिस इंडिया के लिए कि इंग्लिश होगी तो बेटर है, कि या हिंदी इंग्लिश को मैटर नहीं करता? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी थी वो हिंदी थी, तो
मैं भी हिंदी यूज़ करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने भी हिंदी यूज़ करी थी इन माई स्टेट ऑडिशंस ऑल्सो, इन माई फिनाले ऑल्सो, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो अगर इट्स नॉट अ बैरियर, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंट ना। आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप स्टेज पे कितना कॉन्फिडेंट है, आई थिंक आप जजेस से कैसे बात कर रहे हैं, और लैंग्वेज आई थिंक वैसे भी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज तो हिंदी ही है, तो जस्ट यू शुड नो हाउ टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस, इंटरैक्ट विद द जजेस। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कैसे बोल रहे हो, इवन योर आई स्पीक्स अ लॉट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन दैट। आपको क्या लगता है जब आप मिस इंडिया में आपने ट्राई किया, अप्लाई किया, लोगों ने आपको जब देखा, जब आपका पहला राउंड होगा, तो यू थिंक कुछ कुछ आपको लगता है कि यार मेरी ये चीज़ थी जो उनको लगता है कि जब मैं वॉक करके आई या ये वो, ये चीज़ मेरा मेन रहा हो, मेन फैक्टर रहा हो, क्या मेन फैक्टर रहा? आई गेस जो मुझे अपना बेस्ट पार्ट लगता है, दैट इज़ माई स्माइल। ओके, बिकॉज आई गेस स्माइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ गर्ल शुड हैव, और आई गेस एवरीबडी शुड हैव, एंड उससे भी ज़्यादा हाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू स्माइल थ्रू योर आईज, राइट? या इट शुड गो पैलर, राइट? और कोई खास खाने पीने का भी तैयारी की आपने जब आप कॉन्टेस्ट में जा रहे थे मिस इंडिया के लिए, कोई लड़कियों को कि यार ये डाइट करना, ये मत करना, ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा भी मैं सच बताऊं कि आई हैव नेवर वेंट टू जिम, बट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मिस इंडिया, तो मैंने एक महीना पहले जिम जाना स्टार्ट किया, जस्ट टू बी श्योर कि मैं इतना स्टैमिना, अपना स्टैमिना इतना रख सकूँ कि मैं खड़े रह सकूँ वहाँ पे प्रॉपर। एंड उसके बाद आई रियलाइज कि जिम कितना इम्पॉर्टेंट है हम सबकी हेल्थ के लिए, जस्ट गो फॉर जिम, जस्ट नॉर्मल, अगर जिम भी नहीं जाना तो जस्ट डू नॉर्मल योगा, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और मेन जो आई थिंक फिनाले राउंड जो होता है, जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उन उस उन लोगों के लिए आप उस राउंड के लिए क्या देना चाहोगे टिप्स लड़कियों को कि उसके लिए वो कैसा प्रिपेयर करें अपने आप को, बिकॉज आई थिंक वही मेन खेल है सारा, क्वेश्चन आंसर राउंड जो होता है, तो क्या करना चाहिए यू नो आप सारे एस्पायरिंग हमारी लड़कियों को जो इसमें अप्लाई करना चाहती हैं? तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे, सबसे पहले तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपके बॉडी पोस्चर से सबको, जजेस को पता चल जाता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, और स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, जो दिल में है, जो सच है वो बताओ, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग इट टू मेक इट, वो आपको डिटेक्ट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि आप यू आर नॉट द वन हु आर दे सिलेक्टिंग फॉर द मिस इंडिया। तो आई होप ये सारे टिप्स आप लोगों के काम में आने वाली है, जितनी भी एस्पायरिंग आप मॉडल्स हैं, लड़कियां हैं जो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें, आई थिंक आप नोट डाउन कर ले, पेन डाउन कर ले, और गरिमा का इंस्टाग्राम हैंडल जो है मैं नीचे लिंक में दे रहा हूँ, आप गरिमा को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर और पोस्ट होती है गरिमा की। गरिमा आगे क्या प्लान है? अब तो ठीक है, आज हम लोग गरिमा का पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं जो कि हमारा दूसरा शूट है साथ में, तो अब इसके बाद क्या प्लान किया यार? चलो मिस इंडिया हो गया, मिस शिमला, मिस हिमाचल, ये हो गए, तीनों हो गए, अब क्या प्लान करो आप? सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, दो मैंने कुछ कुछ स्टार्ट कर लिया है अपने ऊपर वर्क करना, एक दो टीवी शोज करे हैं अभी रिसेंटली, तो आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू मुंबई, और देखते हैं लेट्स सी वेयर माय लक गोस। राइट, आज मतलब बहुत अमेजिंग शूट हम लोगों ने किया है, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे नहीं बट बहुत अच्छे अच्छे पोजेस, बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट्स, अभी तीन लुक हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं, जो आज का शूट है इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप देखना हमने पोर्टफोलियो में क्या क्या लुक्स किए हैं, और यही रीज़न था मैंने सोचा अभी हम लोगों ने लंच भी नहीं किया है, दोपहर के भी पाँच नहीं शाम के पाँच बजने को आए, और हमने सोचा कि पहले रुक के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ले, दिस इज द थर्ड आउटफिट विच इज़ गोइंग ऑन, थर्ड लुक, I'm in love with this outfit. मुझे खुद ये इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार पहले रोक लेते हैं, इसमें एक वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए, एंड आई वांट टू थैंक गरिमा के टाइम निकाल के ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बना पाया, आप लोगों के लिए बना पाई ये वीडियो, तो थैंक यू गरिमा फॉर स्टॉपिंग बाय फॉर दिस वीडियो हमारे चैनल के लिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करके बताना कि कैसा लगा, और कौन से पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे गरिमा के, जो आपने जो आपको लगता है कि मुझे फॉलो करना है गरिमा की ये टिप्स से, जो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, तो नीचे ज़रूर लिखना, और गरिमा बता दो यार कि सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। एंड यस डू सब्सक्राइब ज़बीन भट्ट फोटोग्राफी, आपको पता है कितना अच्छा कंटेंट है, और एक्सपायरिंग मॉडल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि राइट फील राइट डायरेक्शन में जाए, तो उससे अच्छा इनसे अच्छा कोई भी आपको थैंक यू सो मच सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय, थैंक यू। Good afternoon to one and all present here. When I was born, my father somehow felt my daughter will bring honor and pride to the family. So he named me Karima.
गरिमा वर्मा, a 23 years old, a postgraduate in commerce and an active participant in various college activities, I have made the most of every opportunity that I got to showcase my talent.